हाँ जी, सत श्री अकाल। की हाल चाल? देख रहे सूर्य देव को? बहुत ही कड़ी गर्मी है यार। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा ऐसे कुछ चेंजेस जो मैंने पिछले 10 सालों में जापान में रहते हुए ऑब्जर्व किए हैं। कई चेंजेस तो ऐसे हैं विच आर हिलेरियस एंड यू वॉन्ट बिलीव कि अच्छा ऐसे भी हो गया, ये चीज़ भी चेंज हो गई। हाँ जी, तो सबसे पहला चेंज जो मैंने ऑब्जर्व किया जब मैं आया था जापान, ट्रेन्स के अंदर मोस्टली लोग, मतलब ज़्यादा नहीं तो 95% लोग अपना बुक्स पढ़ रहे होते थे, चाहे उसमें कोई भी एज का होगा, बच्चे हैं तो बहुत लोग बुक्स मैंने पढ़ते हुए देखे हैं। बट आज के टाइम में मैंने ऑब्जर्व किया है कि बुक्स तो ख़त्म ही हो गई हैं, ट्रेन्स के अंदर लोग स्मार्टफोन्स के अंदर घुसे हुए हैं, स्मार्टफोन ज़ॉम्बी जिसे कहते हैं ना। वैसे तो इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया है कि पहले लोग जो बुक्स पढ़ते थे अब बुक्स तो ख़त्म और सब बस अपने स्मार्टफोन में बिजी हैं। तो जी, मैंने ये नॉवल से नेटफ्लिक्स तक का सफ़र जापान में देखा है, ये चेंज होता हुआ। सेकेंड चेंज है सायोनारा निहोंगो। जिस वक्त मैं आया था यार, तो उस टाइम मतलब 2014 में लगा लो, 14-15 में मैं भी थोड़ा सा देख रहा था ये जॉब मार्केट कैसे है यहाँ पे। उस टाइम मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि कोई भी जॉब अप्लाई करने जाओगे ना, जैपनीज लैंग्वेज आनी चाहिए, और वो भी ऐसी नहीं कि भी हाँ आपको थोड़ा बहुत आती है बेसिक, नहीं नहीं नहीं, आपका N1 या N2 एटलीस्ट होना चाहिए। ये सिचुएशन थी उस टाइम, तो बाइलिंगुअल होगा तो ही आपको एंटरटेन करेंगे, नहीं तो कंपनी आपको एंटरटेन भी नहीं करती थी। बट आज के टाइम में स्पेशली IT की मैं बात कर रहा हूँ, टेक में, ये बिल्कुल ही चेंज हो रहा है। तो अब सिचुएशन ये है कि इंग्लिश ओनली कैंडिडेट्स हैं, जो जिनको सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज आती है, तो उनके लिए भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज मैंने दूसरा जो ऑब्ज़र्व किया यहाँ पे। तो अगर आपको इंग्लिश आती है, जैपनीज़ नहीं आती, और आप जैपनीज़ लग रहा है कि यार थोड़ा मुश्किल है, इंडिया में बैठे बैठे नहीं सीख सकते, तो इट्स अ रियली गुड टाइमिंग, आप आओ यहाँ पे। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो चाहती हैं कि हमारे कंपनी में जो फॉरेनर्स काम करें, ठीक है, डाइवर्सिटी के लिए, और वैसे भी इनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है तो इनको बाहर के इंजीनियर्स वर्कफोर्स चाहिए, तो इसलिए ये भी थोड़ा सा बेंड हो गए हैं और जापानीज लैंग्वेज की जो प्रेफरेंस थी वो अब कम हो गई। एक टाइम था जिस वक्त यहाँ पे हार्ड कैश, जिसको कोल्ड कैश बोल देते हैं या फिर क्रिप्टो वाले बोलते हैं इसको, फियाट करेंसी, कहीं पे भी आप जाओगे आपको कैश पेमेंट करनी है। क्रेडिट कार्ड थे, बट क्रेडिट कार्ड इतने पॉपुलर नहीं थे, क्रेडिट कार्ड मिलते नहीं थे। सही बताऊँ तो मेरा जो क्रेडिट कार्ड था, आई गॉट इट आई थिंक इन 3rd or 4th ट्राई, अलग अलग जगह पे रिजेक्ट हुए थे। तो बेसिकली कैश चलता था और आपको अपना वॉलेट ऐसे ठूंस के रखना पड़ता था नोट्स के साथ, बार बार ATM के चक्कर लगाने, ये सब 2019 से लेके इतना ज़बरदस्त चेंज आया ना, रेवोल्यूशन आ गया। ये रेवोल्यूशन लेके आया था पेपे, ठीक है जी, पहले आए पेपे, उसके बाद राकुतेन पे, लाइन पे, और पता नहीं कौन कौन से पे, मतलब अब तो इतने ज़्यादा डिजिटल वॉलेट हो गए ना, हर जगह कहीं पे भी जाओ यू कैन पे कैशलेस। अब है ही नहीं ज़रूरत कि आपको कैश कैरी करना है, तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आया है, और सच बताऊँ तो एक बहुत बड़ा रिलीफ भी है। नेक्स्ट चेंज है रोबोट रेस्टोरेंट एंड सेल्फ चेकआउट। ये वाला चेंज ना स्पेशली आया है कोविड के बाद से, एक तो वैसे इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है तो इनको वर्कफोर्स चाहिए, और दूसरा मेन रीज़न बना कोविड। तो कोविड की वजह से ह्यूमन का टच ना हो, मतलब कॉन्टैक्टलेस, और ये सब इन्होंने इम्प्लीमेंट अब करना शुरू कर दिया। अब आप रेस्टोरेंट्स में जाओगे ना, कुछ रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं वहाँ पर वेटर्स की जगह रोबोट्स आपको सर्व करते हैं। पहले ये सुनते थे भी हाँ कोई स्पेसिफिक रेस्टोरेंट होगा, बट अब ये चीज़ कॉमन होती जा रही है, तो आपको वेटर्स की बजाय जो
ह्यूमन वेटर्स की बजाय रोबोट वेटर्स आपको सर्व करते हुए मिलेंगे। तो ये एक चेंज देखा यार खुद मैंने, मतलब ऐसे रेस्टोरेंट में खाना खाया, कई बार जाते हैं वहाँ पे, फैमिली रेस्टोरेंट है जोनाथन, अगर आप जापान में हो तो आप जोनाथन जाना, तो जोनाथन के अंदर आपको रोबोट्स वेटर मिलेंगे। और इसी तरह सेल्फ चेकआउट, कुछ स्टोर्स मतलब जैसे आइकिया, ये बड़े बड़े स्टोर्स हैं, उनके अंदर सेल्फ चेकआउट तो आ गया है, बट कुछ ऐसे शॉप्स हैं या फिर कन्वीनियंस स्टोर हैं जिसके अंदर ह्यूमन है ही नहीं है, तो 100% वो अपने आप जाओ, सामान उठाओ, स्कैन करो, पेमेंट करके बाहर आ जाओ, तो उस टाइप के भी हैं। ये चेंज काफ़ी बड़ा चेंज जो मैंने ऑब्जर्व किया। फैंस, पंखे, वो गायब हो गए। आपने फोटोज़ में, वीडियोज़ में या फिर जो कोई ट्रेडिशनल जैपनीज ड्रेस होती है उसके साथ एक डेलिकेट सा क्यूट सा फ़ैन होता है फोल्डेबल, वो बिल्कुल ही गायब हो गए भाई। मेरी वाइफ ने भी एक्चुअली वो फ़ैन यूज़ किया है, एंड मैंने बहुत देखा था लोगों को ना यहाँ पे जब आए थे, तो लोगों के हाथों में वही होते थे, चाहे वो मैन हो गए या वीमेन हो गए, वही फ़ैन यूज़ होते थे, बट अब उनकी जगह ले लिया इलेक्ट्रिक फैंस ने। जापान में ह्यूमिडिटी है ना, तो गर्मी के अंदर अगर आप थोड़ी सी भी हवा करते हो यहाँ पे तो आपको ठंडा फील होता है बिकॉज ऑफ दैट ह्यूमिडिटी, तो इसीलिए वो फ़ैन थे, इलेक्ट्रिक फ़ैन आ गए हैं उसकी जगह। तो ये भी एक बहुत बड़ा चेंज है जो मैंने नोटिस किया यहाँ पे। तो जी ये हमारी सोसाइटी की लाइब्रेरी है, यूजुअली यहाँ पे कोई ना कोई बैठा मिलता है, या तो कोई स्टूडेंट मिलेगा या फिर कोई वर्किंग प्रोफेशनल अपना ऑफिस का काम करता हुआ। आज लकीली खाली है तो सोचा कि यहीं पे वीडियो बनाते हैं। तो मैं चेंजेस की बात कर रहा था जो मैंने ऑब्जर्व किए हैं पिछले 10 सालों में। नेक्स्ट जो चेंज है वो है ट्रैफिक सिग्नल। रिसेंटली ये चेंज हो गई है, इन्होंने अब क्या किया है, वो मोटी मोटी लाइट्स हटा के अब इन्होंने बिल्कुल ही ऐसी स्लीक, एनर्जी एफिशिएंट और बहुत ही ब्यूटीफुल LED लाइट्स लगा दी हैं। तो लिस्ट के अंदर जो आखिरी चेंज है वो है जापान के अंदर कंजम्पशन टैक्स। कंजम्पशन टैक्स की आपको थोड़ी सी मैं हिस्ट्री बता देता हूँ। 89 में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था जापान के अंदर कंजम्पशन टैक्स, और ये था 3%। उसके बाद 97 में जाके 5% हुआ, फिर काफ़ी देर तक शांति रही, कोई इंक्रीज़ नहीं हुआ, बट एक टाइम ऐसा आ गया कि जापान की गवर्नमेंट को लगा कि अब कंजम्पशन टैक्स इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तब इन्होंने क्या किया, 10% एक्चुअली इंक्रीज़ करना था, बट गवर्नमेंट की हिम्मत नहीं हुई कि डायरेक्टली 5-10% कर दे, कि सिटीजन्स पे एकदम बर्डन जाएगा या कुछ भी है पॉलिटिकल रीज़न व्हाटसोएवर। तो फिर उन्होंने 2014 में 5-8% इंक्रीज़ किया, और ये 17 ईयर्स के बाद इंक्रीज़ था। लोगों को बहुत धक्का लगा, गवर्नमेंट ने बड़ा लोगों को समझाया, इनफैक्ट कुछ टैक्स रिबेट्स दी या फिर उनको कुछ सॉर्ट ऑफ फ्री मनी दी लोगों को कि आपका टैक्स बढ़ गया तो उसमें आपको थोड़ा कंपनसेट कर दे। फिर 2014 के बाद 8% से 10% हो गया था 2019 में। तो ये भी एक बहुत बड़ा चेंज था जो मैंने ऑब्जर्व किया, क्योंकि अपने इंडिया में तो यूजुअली टैक्स इंक्रीज़ होता रहता है, और सच बताऊँ तो ये नॉर्मल भी है क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग इकॉनमी है, तो डेवलपिंग नेशन में हर चीज़ डेवलप होती है तो टैक्स भी डेवलप होगा। बट जापान जैसा देश जो मतलब डेवलप्ड है ऑलरेडी, और यहाँ पर चीज़ें सब कुछ स्टेबल हैं। हाँ जी, तो ये थे चेंजेस जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था जो मैंने पिछले 10 सालों में जापान में रहते हुए ऑब्जर्व किए। आपने भी अगर ऐसा कोई चेंज इंडिया में, अगर आप इंडिया में हो कि पिछले 5-10 साल में आपने कोई बड़ा चेंज ऑब्जर्व किया, तो मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर आप जापान में हो तो आप मेरे को बताना कि आपने जापान में अगर कोई ऐसा कोई बड़ा चेंज ऑब्जर्व किया, बड़ा या छोटा एनीथिंग। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, कुछ नया पता चला हो जापान के बारे में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, एंड अगर आप चैनल पे नए हो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि मैं और भी इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहूँगा। ठीक है जी, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो फॉर मोर फ्रीक्वेंट अपडेट्स,
और इसी के साथ मिलते हैं किसी नई वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड बाय बाय।